हाय स्टूडेंट्स, बच्चा लोग, छोटे छोटे बच्चों, हाँ, सोहम सर, आराध्य क्लासेस, यस दोस्त, आज तेरे लिए चैप्टर 6 वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 10 डिस्कशन पूरा पावर पे है आज का। अच्छा, शॉर्ट छोटा सा मस्त वीडियो है, यू विल एंजॉय। एट द एंड ऑफ लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल विच कम्स टू आवर होम। तो हम थोड़ा उस पर भी बात करेंगे जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। तो चलो पहले हम अपना टेक्स्ट बुक रिलेटेड टॉपिक खत्म कर देते हैं जो 10-15 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो दोस्त, पावर क्या है? पावर रेट ऑफ टाइम इन विच वर्क इज डन। नहीं समझा? वर्क डन पर यूनिट टाइम। हाँ, अब समझा दी इसी भाषा में, ठीक है। चल तो डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड टिंग। आगे डेफिनेशन, ठीक है दोस्त। दूसरा डेफिनेशन सोच, तेरे लिए छोड़ता हूं ये रेट ऑफ वाला, ले थोड़ा सा लिख के देता हूं बस। द रेट ऑफ व्हाट? चल सोच सोच सोच, बड़ा बच्चा हो गया है। हाँ चल, अब डेफिनेशन से फॉर्मूले के तो पता चल रहा है कि पर यूनिट टाइम है, मतलब नीचे टाइम लेना है और ऊपर वर्क लेना है, तो लिखना भी तो पड़ेगा ना। तो चलो, सपोज इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल जो वर्क हुआ होगा वो डब्ल्यू होगा मान लो, तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो लिखना पड़ता है ना सर। चलो तो सपोज इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल वर्क डन इज डेल्टा डब्ल्यू, सो इन दैट केस व्हाट विल बी द एवरेज पावर? एवरेज पावर डेफिनेशन से पता है ना, पर यूनिट टाइम, तो टाइम नीचे ले ले, ऊपर ले ले वर्क डन, हो गया तेरे एवरेज पावर का फार्मूला। अब इसमें टाइम लिमिट को कम कर दे, हाँ वही जो तू सोच रहा है, लिख दे आर्ग्यूमेंट। इफ टाइम टेंड्स टू जीरो मीन्स बहुत कम इंटरवल है तो इंस्टेंटेनियस पावर बन जाता है, तो ये सारा टर्म चेंज हो जाता है। लेकिन इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, इफ टाइम लिमिट इज वेरी शॉर्ट, वेरी निग्लिजिबल, इट इज ऑलमोस्ट टेंड क्लोज टू जीरो, इन दैट केस वी हैव टू इंस्टॉल दैट टर्म इन टू द फॉर्मूला एंड देन वी कैन राइट डाउन द आवर फाइनल फॉर्मूला इन दिस वे। इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, हाँ डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है दोस्त। अब अरे अब बहुत कुछ है अपने पास, चलिए एक फार्मूला आ गया और, ठीक है दोस्त। अब इसको यहाँ ऊपर लेते हैं मैदान में, चलो आ जाओ। पावर इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब सपोज वर्क हुआ है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, मान ले कांस्टेंट फोर्स लगा है तुमने, तो फिर वर्क को रिप्लेस कर सकते हैं, कांस्टेंट फोर्स है ना, तो वर्क को एफ डॉट आर से या एफ डॉट डी से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अभी एफ तो कांस्टेंट लगा है बोला ना अपन ने, कांस्टेंट फोर्स है, तो फोर्स को बाहर रख, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आर का और ये डॉट प्रोडक्ट तो है ही, ठीक है दोस्त। ये डी आर बाई डी टी वेलासिटी, क्या यार छोटा बच्चा है क्या, साइंस में पढ़ता है, 6-7 महीना हो गया साइंस में तेरे को, हाँ ठीक है। तो ये है पावर का एक और बढ़िया फॉर्मूला, एफ वी, वैक्टर एफ डॉट वैक्टर वी। अच्छा, इन सब उलझनों से बेटर एक बताऊँ, ये बिल्कुल देसी फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यार ये बहुत काम आएगा, बिल्कुल डी एस आई देसी, हाँ ठीक है दोस्त। अब पावर के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं, इतना ही है, लिमिटेड टॉपिक है, इसके यूनिट के बारे में बात हो सकती है, यूनिट के बारे में है डिटेलिंग, ऐसा ही यूनिट होते हैं इसके, बड़े लार्ज यूनिट होते हैं, फिर प्रैक्टिकल जो डेली लाइफ में काम आते हैं ऐसे यूनिट भी होते हैं, तो तीन कैटेगरी के यूनिट है। तो लेट्स कैटेगराइज, लेट्स क्लासीफाइड द यूनिट्स इन माय वे। तो चलो, यूनिट्स ऑफ पावर, पावर के यूनिट पे बात करते हैं, ये रहा। चलो सबसे पहला
एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, तो बन रहा है ना यहीं से देख ले, जूल वर्क मीन्स जूल अपॉन सेकेंड, यस जूल अपॉन सेकेंड, लेकिन जो ज्यादा यूज होता है वो है वॉट, साइंटिस्ट का नाम है रे, तो इसको कैपिटल डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। क्या है सर ये, कहां से आया, भूल गया, एक स्टोरी सुनते थे बचपन में अपन, एक बच्चा था अपनी मॉम के साथ किचन में बैठा था, और उसकी मॉम है ना एक कुछ बर्तन में पानी बॉईल हो रहा था, उसकी मॉम ने उसको बिठाया कि बेटा देखना है पानी बॉईल हो रहा है, तो पानी का जो ऊपर का ढक्कन होता है ना बॉइलिंग करते वक्त, तो ऊपर हम ढक्कन रखते हैं ताकि जल्दी गर्म हो जाए, वो ढक्कन उस पानी के वेपर से अप डाउन हो रहा था। ऐसा अपने घर में भी होता है जनरली, अभी तो प्रेशर कुकर है तो हम ये फिनोमिनन ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन कभी घर में ऐसा करना ट्राई, एक बड़ा तपेली लेना बकेट टाइप, ठीक है छोटा भी लेगा चलेगा, उसके अंदर पानी रखो, उसको गर्म करने रखो, उसके ऊपर पतला सा ढक्कन लगा दे, थोड़ी देर बाद देखेगा ना तू तो वेपर से ढक्कन ही ऊपर नीचे होगा। तो उस बच्चे ने वो ऑब्जर्व किया फिनोमिनन कि यार इस वेपर में इतनी ताकत है, इस स्टीम में इतनी ताकत है कि इस ढक्कन को पूरा ऊपर कर रही है। तो इस थॉट से वो बच्चे ने आगे जाके स्टीम इंजन बनाया पूरा, उसका नाम था जेम्स वॉट। क्या नाम था, जेम्स वॉट, यस उसी जेम्स वॉट का नाम है वॉट, इसलिए इसका यूनिट पावर का यूनिट, उसने पावर पता किया ना कि स्टीम में वेपर में इतना पावर होता है, यस। अपने यहाँ भी बनाया था ये शायद विक्रम साराभाई, उन्होंने तो एट द एज ऑफ 14 या 15 में ही बना डाला था, उससे इंस्पायर होके, इतना अपना जो क्लासरूम का बेंच होता है ना 3-4 फुट का, उस साइज का उन्होंने पूरा इंजन बनाया था, स्टीम इंजन छोटा सा, इस पर हम आराम से बैठ के थोड़ा बहुत ट्रैवल कर सकें। उन्होंने वो स्टोव लगाया था जो केरोसिन से चलता था ना पहले, हाँ मैंने देखा है पर्सनली, कहाँ देखा पहले, अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी वाले रोड पे कहीं पे विक्रम साराभाई कम्युनिटी सेंटर है, जो बच्चा 11वीं साइंस लिया ना उसको एक बार वहां जाना चाहिए। मान ले आप अहमदाबाद से बिलोंग नहीं करते हो, तो जिस सिटी से बिलोंग करते हो सिटी में कहीं ना कहीं साइंटिस्ट का जो फैन लोग होता है वो उसका एक कम्युनिटी हॉल टाइप बनाते हैं, जहां उस साइंटिस्ट के सारे प्रोजेक्ट का डेमोस्ट्रेशन डमी रखा जाता है। हाँ तो अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी रोड पर है विक्रम साराभाई कम्युनिटी सेंटर, वहां जाके देखो, एट द एज ऑफ 14-15 में उन्होंने मस्त अपनी बेंचेस के साइज का स्टीम इंजन बना डाला था, ब्लैक कलर का मैं देख के आया था मॉडल, ठीक है। चल दोस्त अब इसके लार्ज यूनिट, बड़े यूनिट, लार्ज यूनिट में एक तो किलोवाट बहुत चलता है, किलोवाट मींस 1000 times of watt, फिर ये मेगावाट भी बहुत चलता है, तो मेगावाट मींस 10^6 watt, हाँ ये इसके लार्ज यूनिट है, ठीक है। अब एक और इसका प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है, प्रैक्टिकल जैसे हॉर्स पावर, यस इट इज़ अ गुड यूनिट, हॉर्स पावर ये हमारे बहुत काम में आता है, शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं HP, 1 HP इज इक्वल टू 746 times of watt। कहाँ यूज होता है ये, अरे भैया तेरे घर में पानी का मोटर है, टंकी के अंदर लगा होगा, तो स्विच दबाएगा पानी ऊपर चढ़ जाएगा, वो जो मोटर होता है ना उसका पावर HP में होता है, कि 1 HP का मोटर है, 2 HP का मोटर है, 3 HP का मोटर है, यस। फिर अपनी गाड़ियों में भी, 4-wheelers में, ट्रक्स में, इनमें भी बहुत सारी मोटरें लगी होती हैं जिनका पावर हॉर्स पावर में मेजरमेंट होता है, इसलिए ये प्रैक्टिकल यूनिट है हॉर्स पावर, ठीक है कि नहीं ठीक है, अच्छा बढ़िया है, ठीक है दोस्त। अब एक और चीज़ इसके बेस पे तुझे वर्क का एक और यूनिट बताता हूँ, वर्क के तू ऑलरेडी बहुत से यूनिट जानता है, नहीं जानता अपने दिल पे हाथ रख के बोल, नहीं जानता, अच्छा दिल में से आवाज़ आए, नहीं जानता, तो और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, मल्टीपल रीडिंग कर, पिछले 6 महीने से कर गया रहे साइंस में, तो वर्क के देख कितने यूनिट है, जूल है, न्यूटन इंटू मीटर है, अर्ग है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कैलोरी है, और कितना चाहिए बोल, दुनिया भर के सारे पढ़ लिए हमने, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलोरी अर्ग ये सारा तो इसी चैप्टर में पढ़ा है कहीं ना कहीं रिलेशंस। हाँ अब इसके अलावा एक और नया यूनिट देता हूँ आज वर्क का, देख कैसे आइडिया आया, वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम ले सकते हैं, ये रहा ना देसी, वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब पावर का यूनिट क्या लेंगे अपन, जूल अपॉन सेकेंड मतलब वॉट, पावर का यूनिट लेंगे वॉट, और इसका लेंगे सेकेंड।
अभी सेकंड को मैं आवर कर दूं और वाट को किलो वाट कर दूं, तो ये नया यूनिट बनता है वर्क के लिए, किलो वाट आवर। नाउ हाउ मच 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, वो अपने काम में आएगा। चल तो कैलकुलेट करते थे, 1 किलो वाट आवर कितना होता है बताता हूँ। ये किलो है ना, उसके लिए 1000 लगेगा, वॉट के लिए लगेगा जूल अपॉन सेकेंड, और आवर के लिए लगेगा 3600 टाइम्स ऑफ सेकेंड, राइट। सेकेंड सेकेंड कैंसिल, सो यू विल गेट 3600 इन जूल। अब पॉइंट को यहाँ पे ले ले, तो हो गया 6 जूल, तो इतना होता है 1 किलो वॉट आवर, बताए तेरे को। और ये कितना होता है बताए, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसके अंदर लिखा होता है ना कि इस महीने आपने 200 यूनिट कंज्यूम किया, या आपका फैमिली कंजप्शन इस महीने 300 यूनिट है, 400 यूनिट है, 500 यूनिट है, 100 यूनिट है। वो जो यूनिट होता है ना, वो इससे मल्टीपल होता है, इसको हम एग्जैक्टली 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, 1 यूनिट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, तो IMP है दोस्त, ये किलो वॉट आवर मीन्स 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पूछते हैं, इतना वैल्यू होता है, याद रखना पड़ेगा, ये IMP है, ठीक है। इसका मतलब तूने घर में कोई भी इक्विपमेंट लगाया है जो बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, उसका 1 यूनिट मतलब इतना जूल एनर्जी तूने यूज कर लिया है ना, ठीक है। अब अपना टेक्स्ट बुक रिलेटेड मामला खत्म होता है, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज देता हूँ लाइफ में, कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो बिल को देख के तो हमको पता चलता है कि 200 यूनिट आया, 300 यूनिट हमने यूज़ किया, लेकिन तू घर में कोई इंस्ट्रूमेंट लाया, जैसे तू नया फ्रिज लाया, तो फ्रिज को रीडिंग करके तू खड़े खड़े बता देगा कि मम्मी ये फ्रिज है ना, 2 घंटा यूज़ करोगे तो इतना यूनिट खा जाएगा, बिना ऑन किए तू बता सकता है। फ्रिज के ऊपर सारा रेटिंग्स लिखा होता है, तुझे सिर्फ कैलकुलेट करना है। जैसा कुछ टेक्निक सिखाऊं, 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स घर के, फिर घर में जाके कलर मारना ऐसे, अरे मॉम ला बल्ब देख, मामा ये बल्ब इतने घंटे में इतना यूनिट खाएगा, कम जलाया करो बल्ब, है ना। तो चल ऐसा कुछ बेसिक नॉलेज सिखा दो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1, 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, पहले तो एक काम करो, अपने घर के पंखे ट्यूबलाइट सब निकाल के ले आओ नीचे। ए करना नहीं रे, मजाक कर रहा हूँ। हाँ मैं ही बता देता हूँ किस इक्विपमेंट में कितना रेटिंग्स लिखा हुआ है, ताकि तेरे को किसी इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, करंट वरेंट लग जाएगा। हाँ ऐसा करना नहीं, एक्सपेरिमेंट मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, रे तेरी मेहनत मैंने कर ली, मैंने अपने घर पे पंखे में चढ़ के देख लिया, बल्ब में चढ़ के देख लिया, सब देख लिया, ठीक है। अब तेरे को डायरेक्ट बता रहा हूँ, देख। जैसे सबसे पहला मैंने मेरे घर का बल्ब देखा, तो बल्ब पे लिखा था 100 वॉट, तो मैंने दिमाग लगाया कि 100 वॉट के बल्ब को सपोज मैं शाम को 6 बजे ऑन करूं, दिमाग लगाया कि कितना कंज्यूम होता है, 6 बजे या 6 बजे ऑन करते जनरली हम, हाँ तो रात के 12 बजे तक बल्ब चल रहा है, फिर मेरा सोने का टाइम हो गया मान ले, तो 6 से 12 6 घंटा हुआ, 6 आवर ये हुआ। फिर सुबह वापस अपन उठते हैं जब 5 बजे या 6 बजे, तब फिर बल्ब ऑन करते हैं ना, सुबह सुबह अंधेरा होता है, तो तब मान ले 5 बजे से 9 बजे तक फिर बल्ब चलाया मैंने, तो 4 घंटा और चला दिया, मतलब मुझे ऑन एवरेज पता चल गया कि मेरा ये बल्ब रोज का ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे चालू रह सकता है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दिन में तो हम खिड़की खोल देते हैं ना, ओपन द विंडोज, द लाइट कम्स इन, तो वी डोंट नीड द बल्ब। यस, तो मिनिमम मेरे घर का बल्ब 10 आवर का टाइमिंग है उसका, कि 10 घंटे तक रोज चालू रहता है। तो मैंने सोचा कि बल्ब मेरा 100 वॉट का है, 50 वॉट, 60 वॉट, 30 वॉट, 3 वॉट, 2 वॉट के भी बल्ब होते रहे, हाँ, लेकिन घर में जो हम बड़ा सा बल्ब लगाते हैं ना, जनरली वो 100 वॉट तक का जाता है। हाँ 100 वॉट का बल्ब 10 घंटे चलाया मैं, तो कितना यूनिट बिजली खाएगा, है ना। तो देख टेक्नीशियन यहाँ पे दिख रहा है, ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर मीन्स पावर इंटू टाइम, तो कैलकुलेशन पावर इंटू टाइम से ही होगा। तो चलो एनर्जी कितना खाएगा ये बल्ब इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पावर इंटू टाइम, यही फार्मूला है। पावर कितना है 100 वॉट, टाइम कितना है 10 आवर, ये वॉट मेरे को जमता नहीं है तो जूल अपॉन सेकंड लिख लिया वॉट को, हाँ, और ये 10 आवर को लिख लिया 3600 सेकंड्स, ये सेकंड सेकंड्स कैंसिल, हो गया 3600, 1 2 3 4 5 टाइम्स 0, जूल रह गया सिर्फ। अच्छा पॉइंट को बीच में ले ले,
ए भाई ये तो एक यूनिट आया यार आंसर, तो आया ना वन यूनिट, इतना ही तो जूल होता है, देख ले ये वैल्यू याद रख लेना, वन यूनिट इतना ही तो होता है। तो मुझे दिमाग में बैठ गया कि मैं इस 100 वॉट के बल्ब को 10 घंटे चलाऊंगा ना तो एक यूनिट का बिजली ये खाएगा, ठीक है, मतलब पूरा महीने में 30 यूनिट सिर्फ मेरा बल्ब खाएगा। फिर फैन भी उतना कितना खा सकता है, फिर अपना एसी कितना खाएगा, पानी का मोटर कितना खाएगा, कूलर कितना खाएगा, उन सबका पर डे का यूनिट निकाल। जैसे सबने मिलके एक दिन का 10 यूनिट खा लिया तो महीने का 300 यूनिट जाएगा तेरे घर का बिल, है ना। तो चल बाकी के इक्विपमेंट्स का रेटिंग्स बता दे। अच्छा ये लिखा होता है रे इक्विपमेंट पे, दिखाऊं एक मिनट, चलो कैमरा में दिखाई देना, देख दोस्त ऐसा ये बल्ब होता है ना ये, इस पे देख यहाँ पे लिखा हुआ है रेटिंग्स, देख कितना दिख रहा है टेक्नीशियन इसका रेटिंग्स, 3 वॉट, 3W दिख रहा है ना, 3 वॉट दिख रहा है ना। हाँ जैसे दूसरा बल्ब है किसी पे, यहाँ पे लिखा होता है रेटिंग्स, देखिए रहा दिख रहा है प्रॉपर, कितना वॉट लिखा है इस पे, 10 वॉट, वेरी गुड। समझा कि नहीं समझा, तो चलो वीडियो कंटिन्यू रखो, आप बार बार पोज मत करो, ये पकड़ लो बल्ब। तो समझा ऐसे हर इक्विपमेंट पे रेटिंग्स लिखा होता है, तो मैंने कुछ इक्विपमेंट्स के रेटिंग्स ढूंढ के लाए हैं। जैसे नंबर 2 है फैन, फैन का जो रेटिंग्स है वो 55 वॉट से 110 वॉट तक के फैन आते हैं। वो आपके घर में मान लो 100 वॉट का फैन लगा है और उसको भी आप 10 घंटा चालू रखते हो तो सेम 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। बल्ब जैसा ही रेटिंग्स है ना, उसका ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, तो फैन और बल्ब लगभग इक्वल ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा हाई रेंज में जाते हैं, जैसे अपने घर का कूलर हो गया भैया, तो कूलर का जो रेटिंग्स होता है जनरली हमारे यहाँ 125 टू 230 वॉट के अलग अलग कंपनी के अलग अलग कूलर आते हैं। मान ले अपन राउंड फिगर पकड़ के चलते ताकि कैलकुलेशन, अपने घर का कूलर मान ले 200 वॉट है, तो 200 वॉट और मान ले कूलर कितना चलाते हैं हम लोग, कूलर मान ले किसी को दोपहर को सोने की आदत है घर में, तो दोपहर को 2 घंटा कूलर चल गया, रात को चल गया जैसे रात को 12 बजे सोए, सुबह 6 बजे 8 घंटा, एवरेज 10 घंटा कूलर भी चला ले चल, हाँ ताकि राउंड फिगर कैलकुलेशन हो। अभी 200 वॉट है ना, तो इसको ऐसे समझ 2 × 100 वॉट, समझ सकते, तो 10 घंटा 100 वॉट तो एक यूनिट होता है, तो इंटू 2 है ना, तो यहाँ पे मामला 2 यूनिट का बन जाएगा, इतना तो कॉमन सेंस है ना। तो कूलर जितने टाइम ये बल्ब चालू रहता है उतने ही टाइम कूलर भी चल रहा है, लेकिन कूलर इससे डबल कंज्यूम कर रहा है 2 यूनिट। तो मोटर हैवी होता है ना कूलर का थोड़ा, अच्छा कूलर की मोटर पे भी रेटिंग्स लिखा होता है, ठीक है। वन मोर चल, जैसे एसी है, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर जो अपने घर में है उसका मोटर जनरली 800 वॉट से 1200 वॉट तक का होता है। मैं एवरेज 1000 वॉट का पकड़ के चलता हूँ, उसका जो कंप्रेसर होता है मोटर होता है वो 1000 वॉट का होता है। मान ले इसको भी 10 घंटा चलाया अपन ने, तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 ही हुआ ना सिर्फ, तो 10 यूनिट खाएगा। अब तू करते रहना रे, फॉर्मूला तो दे दिया ना यहाँ पे, करते रहे 10 यूनिट खाएगा जा, गारंटी है। तो कितना ज़्यादा खाएगा, इसलिए तो बोलते हैं घर में कि एसी नहीं लगवाना भाई, बिल बहुत आता है, मजा तो आता है ठंडी ठंडी हवा में, बिल बहुत आता है। और लगवा भी दिया हो तो मम्मी चिल्लाती रहती है, बंद कर रे, बंद कर, बंद कर। गुजराती वाले तो ए लाला एसी बंद कर, बिल आवाज तब पप्पा कितलू कमाई कमाई टूटी जा, ऐसा बोलते हैं गुजराती में, अच्छा लैंग्वेज है। तो देखो ये एसी 10 यूनिट खाता है, बल्ब सिर्फ 1 यूनिट खाता है, तो ज़्यादा खाता है। हाँ ठीक है ठीक है। एक और जो हॉर्स पावर वाला मामला है, जैसे अपने घर का ये पानी का मोटर है, तो वाटर पंप का जो मोटर है उसका भी रेटिंग्स बता देता हूँ, कैलकुलेशन तू करना। लगभग 1000 से 1500 वॉट तक का होता है, तो अपन अच्छी अच्छा मोटर लेते हैं ना, 1500 वॉट का लेते हैं चलो, तो 1500 वॉट का मोटर है। अच्छा मोटर 10 घंटे नहीं चलता, मोटर हर घर में होता है और चलाते हैं, फिर भी उसका इतना बिल नहीं आता है, क्यों, क्योंकि मोटर चलता 10-15-20 मिनट है। अरे हाफ आवर चला ले, आधा घंटा मोटर चला ले, तो कितना कंज्यूम हुआ, कैलकुलेट तो कर, खुद कर भाई खुद कर। जैसे देख 1500 जूल अपना यही था ना, पावर इंटू टाइम को मल्टीप्लाई करना था, तो पावर इंटू ये टाइम को मल्टीप्लाई कर लो, सेकेंड सेकेंड गॉन, ये हो गया
नहीं, इसको तो 3600 ही रहने दे भाई, यूनिट कैलकुलेट करने में काम आएगा। ये हो गया 1500 इंटू 3600 जूल डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 को लास्ट में हैंडल करते हैं। चल ये यार कैसे करेंगे, 15 इंटू 3600 × 10⁴। अभी काम कर, यहाँ पे पॉइंट लगा दे तो एक जीरो और बढ़ा ले, यहाँ पे पॉइंट लगा दे तो एक जीरो और बढ़ा ले, अपने मामा का घर है। तो ये हो गया एक यूनिट इंटू डेट डिवाइड बाई टू, मतलब ये तो कुछ नहीं हुआ रे, 0.75 यूनिट हुआ, एक यूनिट भी नहीं हुआ पूरा। तू देख लेना फिर भी कैलकुलेटर में, मैंने कुछ जल्दी जल्दी में कुछ मिस्टेक किया तो देख लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से एक यूनिट भी पूरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइम कम है, आधा घंटा ही तो चला है यार, और तुझे ईजी करना है कैलकुलेशन, तो एक घंटे का टाइम कर दे यहाँ पे, तो एक डेढ़ यूनिट होगा, सीधी सी बात है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लेना, मैं थोड़ा वो जल्दी जल्दी में कुछ गलती किया है तो ओके, नहीं किया तो ठीक है। तो यू फाइंड दिस फाइनली ना, हाँ। अब अपने घर के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका रेटिंग्स जनरली ये होता है, याद रखना, हाँ काम आएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए साइंस में। अपन ने साइंस रखा है और सिर्फ किताब रटने के लिए रखा है, ऐसी जानकारी है तो होनी चाहिए ना कि घर में हम पेरेंट्स के साथ बात कर पाए कि पापा देखो अपना ये इक्विपमेंट है ना, पर डे इतना यूनिट खाता है, इसको हम संभाल के यूज़ करेंगे, मम्मी देख ये वाला मोटर इतना खाता है, जल्दी बंद कर दिया करो। ऐसा जेन्युइन डिस्कशन होता है ना घर में, नॉलेज स्प्रेड होता है, सबको इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस पता चले ना कि एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलो दोस्तों, अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट में लिख कि सर ऐसा कुछ ना कुछ डाला करो वीडियो में, मजा आता है, तो मैं और भी डालूंगा, ठीक है। चल बाय।